डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी की तैयारी में हमारा आज का चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या होता है कि नॉर्मली आपको जिस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसी तरह से ही होता है। इसमें कुछ पर्सन दे दिए जाते, उनका कुछ ना कुछ ऑर्डर दे दिया जाता है। वो ऑर्डर एग्जैक्टली क्या होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। सेम उसी तरह रैंकिंग में होता है कि अगर इनकेस मान लेते हैं अगर 5 पर्सन है, 5 पर्सन की 5 रैंकिंग दी हुई है, तो हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि किसी की रैंकिंग ये है, किसी की रैंकिंग ये है, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाता है। लेकिन जो हमारा डेटा दिया होता है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके फाइंड करते हैं कि कौन इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे आएगा, कौन सेकंड पे आएगा, कौन थर्ड पे आएगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे बात करें हम अपने क्वेश्चन की, क्वेश्चन हमारा है अमंग 5 फ्रेंड्स ए इज हैवियर देन बी, सी इज लाइटर देन डी, बी इज लाइटर देन डी बट हैवियर देन ई, हु अमंग देम इज हैवियस्ट। यानी 5 दोस्तों में ए बी से भारी है और सी डी से हल्का है, और फिर क्या दिया हो बी इज लाइटर देन डी बट हैवियर देन ई। बी जो है वो डी से तो हल्का है लेकिन ई से भारी है, तो हमें बताना है कि हु अमंग देम इज द हैवियस्ट, इनमें से कौन हैवी है, मतलब सबसे भारी है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है ए इज हैवियर देन बी, तो ए हैवियर, यहाँ पे हम हैवी के लिए ग्रेटर देन का साइन लगा रहे हैं, तो ये आ गया बी। ठीक, फिर बोला है सी इज लाइटर देन डी, यानी सी डी से हल्का है यानी डी भारी है सी से। ठीक, फिर बोला है बी इज लाइटर देन डी, बी जो है वो डी से हल्का है यानी डी भारी है बी से। ठीक, बी इज लाइटर देन डी बस बट बी इज हैवियर देन ई, बी जो है ई से भारी है। ठीक, अब हमें बताना है इनमें से कौन हैवीएस्ट है। अब देखिए अगर ये जो तीनों स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, इन तीनों स्टेटमेंट को हम अगर कंबाइन करें, तो कंबाइन करने पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ए है ग्रेटर देन बी है। ठीक, बी है, अब यहाँ पे इसको अगर हम बोले बी इज लाइटर देन डी, बी डी से हल्का है लेकिन बी ई से भारी है, अगर इसको हम एड भी करते हैं तो यहाँ पे हमारा ए की पोजिशन हमें नहीं पता लग रही है कि ए डी से हल्का है या डी से भारी है, तो हम यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं। अब डी इज ग्रेटर देन सी है तो हमें पता नहीं है कि डी का सी का बी से क्या रिलेशन है और ई से क्या रिलेशन है, यानी हम ये नहीं कह सकते। ये तो हमें पता है कि सी डी से हल्का है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि सी डी और ई से भी हल्का है या भारी है, तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन हैवी है, हैवी कौन है। अब देखिए अब ये बात हो गई इसकी, ठीक है, बी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अब एक हमें कंडीशन ये दी है ए इज हैवियर देन बी, ए बी से भारी है, तो बी से तो भारी है तो बी से भारी हमारा डी भी है और बी से भारी हमारा ए भी है। हमें ये नहीं पता है कि ए और डी में क्या रिलेशन है, यानी ए और डी एक दूसरे से भारी है या हल्के, यानी ए और डी में से कौन हैवी है कौन से लाइटर है हमें नहीं पता। तो अगर हम फाइंड करें कि इनमें से कौन हैवीएस्ट है तो हम फाइंड नहीं कर सकते एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा ए और डी के बीच हम नहीं फाइंड कर पा रहे कि इनमें से कौन हैवी है और कौन लाइटर है। तो अगर इसमें हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुणे इज बिगर देन झांसी, सीतापुर इज बिगर देन चित्तौड़, रायगढ़ इज नॉट एज बिग एज झांसी बट इज बिगर देन सीतापुर, फिर चित्तौड़ इज नॉट एज बिग एज सीतापुर। अब बोला है विच इज द स्मॉलेस्ट, यानी पुणे जो है वो झांसी से बड़ा है और सीतापुर जो बड़ा है चित्तौड़ से बड़ा है। फिर बोला है रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी बड़ा है लेकिन बट इज बिगर देन सीतापुर, लेकिन रायगढ़ सीतापुर से बड़ा है। फिर बोला है चित्तौड़ इज नॉट एज बिग एज सीतापुर, चित्तौड़ इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सीतापुर है, तो इनमें से कौन सबसे छोटा है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो बोला पुणे इज बिगर देन झांसी, तो जो पुणे है वो बिगर है किससे, झांसी से। ठीक, फिर बोला है सीतापुर इज बिगर देन चित्तौड़, तो यहाँ पे अगर हम सीतापुर करें तो ये कितना बड़ा, किससे बड़ा है, चित्तौड़ से। ठीक, ये दो हमारी कंडीशन हो गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करें, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, रायगढ़ इज नॉट एज बिग एज झांसी, रायगढ़ जो है इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा झांसी, यानी झांसी से छोटा है रायगढ़, तो यहाँ पे हमारा रायगढ़ आ जाएगा। ठीक, फिर आगे क्या है, बट
इज बिगर देन सीतापुर, लेकिन रायगढ़ जो है वो सीतापुर से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सीतापुर। ठीक, फिर बोला है चित्तौड़ इज नॉट एज बिग एज सीतापुर, चित्तौड़ इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सीतापुर है, यानी चित्तौड़ उससे छोटा है। तो अगर इसको भी हम कंबाइन कर ले तो कंबाइन करके यहाँ सीतापुर के बाद क्या आ जाएगा, चित्तौड़। तो हमारी कितनी सिटी दी थी, 1 2 3 4 5, 5 सिटीज हमें दी हुई थी। तो 5 सिटीज के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया हु अमंग देम व्हिच ऑफ द सिटी इज स्मॉलेस्ट, कौन सी सिटी सबसे छोटी है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो पुणे हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी और चित्तौड़ हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो अगर चित्तौड़ हमारी सबसे छोटी सिटी है तो इस बेस पे ऑप्शन नंबर 2 यानी चित्तौड़ हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजय वर्क्स मोर देन राम, आलोक वर्क्स एज मच एज राजू, पंकज वर्क्स लेस देन आलोक, राम वर्क्स मोर देन आलोक, हु वर्क्स द मोस्ट ऑफ ऑल। यानी देखिए इस ये भी हमारा एक तरह से रैंकिंग वाला ऑर्डर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑर्डर रैंकिंग का। इसमें क्या बोला गया है, अजय जो है वो राम से ज्यादा काम करता है और आलोक कितना करता है, आलोक वर्क्स एज मच एज राजू, यानी आलोक उतना ही काम करता है जितना राजू काम करता है। फिर आगे हमें दिया हुआ है पंकज वर्क्स लेस देन आलोक, पंकज जो है वो आलोक से कम काम करता है, और राम वर्क्स मोर देन आलोक, राम जो है आलोक से ज्यादा काम करता है। हु वर्क्स द मोस्ट ऑफ ऑल, इनमें सबसे ज्यादा काम कौन करता है। अब कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन है अजय वर्क्स मोर देन राम, यानी अजय जो है वो राम से ज्यादा काम करता है। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है आलोक वर्क्स एज मच एज राजू, आलोक उतना काम करता है जितना राजू। तो यहाँ पे अगर आलोक है तो इक्वल टू हम राजू कर सकते हैं, क्योंकि आलोक के वर्क की कैपेसिटी और राजू के वर्क की कैपेसिटी दोनों इक्वल है। अब पंकज वर्क्स लेस देन आलोक, पंकज जो है वो आलोक से कम काम करता है, यानी अगर हम आलोक इज इक्वल टू राजू करते हैं तो हम राजू इज इक्वल टू आलोक भी कर सकते हैं, और पंकज जो है लेस काम करता है तो यहाँ पे आ जाएगा पंकज। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, राम वर्क्स मोर देन आलोक, राम जो है वो आलोक से ज्यादा काम करता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा राम। ठीक है, अब ये राम जो है अगर आलोक से ज्यादा काम करता है तो हमें पता है आलोक और राजू एक जैसा काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है राम हमारे राजू से भी ज्यादा काम करेगा। अगर ये कंडीशन हमारी आ गई और ये कंडीशन आ गई, इन दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर यहाँ पे आ जाएगा अजय। अब ये हो गया। ठीक है, अब बोला है हु वर्क्स द मोस्ट ऑफ द ऑल, यानी इन सब में सबसे ज्यादा काम कौन करता है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, अजय कर रहा है, और सबसे कम काम कौन कर रहा है, पंकज कर रहा है। तो क्योंकि अगर यहाँ पे अजय सबसे ज्यादा काम कर रहा है तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 यानी अजय हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमंग 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एन टी हु इज द यंगेस्ट, 5 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, 5 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस टी, इसमें कौन सबसे छोटा है। अब देखिए आगे इसमें दिया हुआ है टू अराइव एट द क्वेश्चन आंसर, टू अराइव एट द आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन द स्टेटमेंट ए एंड बी इनसफिशिएंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 फ्रेंड्स दिए हुए हैं पी क्यू आर एस टी, ये 5 पर्सन में कौन सबसे छोटा है। उसके आगे ये चीज दी हुई है कि इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए कि इन 5ों में कौन सबसे छोटा है, हमारा कौन सा ऑप्शन सफिशियंट है, मतलब 2 स्टेटमेंट हमको दिए हुए ए और बी, इन ए और बी से कौन से ऑप्शन से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हम अपना ए वाला ऑप्शन देखे, स्टेटमेंट देखे, तो दिया हुआ है आर इज यंगर देन पी एंड टी, जो आर है वो पी और टी से यंगर है आर। ठीक, अब ये हमें पी और टी के बीच ये नहीं दिया हुआ है कि पी बड़ा है कि टी बड़ा है, तो इस वजह से पी ऑब्लिक टी और फिर ग्रेटर देन आर कर दिया। फिर अगर हमको आगे दिया हुआ है एस इज यंगर देन क्यू, एस जो है वो क्यू से यंगर है, तो एस यंगर है क्यू से। ठीक, अब हमसे पूछा है कौन इसमें सबसे छोटा है। अगर हम केवल स्टेटमेंट ए की बात करें, स्टेटमेंट ए में केवल हमको 3 टर्म्स दिए हुए हैं पी टी और आर, लेकिन पी टी आर का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ये हमें एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है कि इसमें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, यानी इससे भी हम आंसर नहीं निकाल सकते। और अगर हम सेकंड वाला स्टेटमेंट देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है एस इज यंगर देन क्यू, यानी क्यू एस से बड़ा है और एस क्यू से छोटा है। तो अगर छोटा है तो इससे भी हम फाइंड कर पा रहे हैं, ये तो हमें पता है कि एस हमारा क्यू से छोटा है, लेकिन क्या ये सबसे छोटा है ये चीज हम पता नहीं कर सकते। तो अगर 2 स्टेटमेंट अलग अलग आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं।
तो अगर हम इसको कंबाइंड भी करते हैं तो हम एक तो ये कंडीशन हमारी बन सकती है Q is greater than S, या फिर हो सकता है Q यहाँ पे मिडिल में आए, या फिर हो सकता है Q यहाँ सेकंड लास्ट में है। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड भी कर रहे हैं तो हम ये आंसर नहीं फाइंड कर पा रहे कि इनमें सबसे छोटा यानी यंगेस्ट कौन है। तो इस बेस पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बोथ ए एंड बी टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। अब क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट को ना अलग अलग सॉल्व करने पे हम क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं, ना ही दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं। तो इस बेस पे ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेश इज एज मच ओल्डर देन कमल। सुरेश इज एज मच ओल्डर देन कमल। सुरेश जो है वो कमल से ओल्डर है यानी बड़ा है। तो सुरेश ओल्डर है कमल से, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड एज ही इज यंगर देन प्रबोध, और सुरेश जो है वो प्रबोध से यंगर है। तो यहाँ पे प्रबोध आ गया, ठीक। अब आगे बोला गया है नवीन इज एज ओल्ड एज कमल। नवीन जो है वो कमल से ओल्ड है, तो यहाँ पे नवीन अगर हम सेकंड कंडीशन लिखे यहाँ पे आ जाएगा कमल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अब देखिए हमें ये अपनी कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चार ऑप्शन दिए, तो हमें पता लगना है कि ये जो हमारा चार ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है सुरेश इज ओल्डर देन नवीन। सुरेश जो है वो नवीन से ओल्डर है। तो अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, सुरेश नवीन से ओल्डर है कि नहीं। अब देखिए नवीन कोमल से नवीन कमल से बड़ा है, ठीक, ओल्डर है। तो हमें ये नहीं पता है कि सुरेश और नवीन, मतलब सुरेश ओल्डर है कि नवीन ओल्डर है, तो हम ये कुछ कह नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही साइड में रखते हैं। अब क्या दिया हुआ है, कमल इज यंगर देन सुरेश। कमल जो है वो सुरेश से यंगर है। अब देखो ये वाली कंडीशन हमारी जो है, इस कंडीशन में हमको दिया हुआ है कि कमल यंगर है सुरेश से, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है और हमें रॉन्ग वाला ऑप्शन फाइंड करना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रबोध इज नॉट द ओल्डेस्ट। प्रबोध जो है वो ओल्डेस्ट नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, नवीन और प्रबोध का हमको ये कुछ दिया नहीं हुआ है कि नवीन बड़ा है कि प्रबोध बड़ा है। तो इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, नवीन इज यंगर देन प्रबोध। नवीन जो है वो प्रबोध से यंगर है। तो नवीन जो है वो प्रबोध से यंगर है, यानी फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हम क्या देख रहे हैं कि केवल हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है सुरेश इज ओल्डर देन नवीन, यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग जा रहा है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं। तो इस बेस पे ऑप्शन नंबर 1 यानी सुरेश इज ओल्डर देन नवीन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे ऑर्डर और रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।